नमस्कार, मैं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिनभर की खास खबरों पर। कलयुगी पुत्र ने की पिता की कुल्हाड़ी से हत्या। लखनऊ के लेखक ने लिखी विवादित किताब, मुस्लिम समाज में आक्रोश, महामहिम राष्ट्रपति से किताब पर रोक लगाने की रखी मांग। किसानों की किस्मत में नहीं है डीएपी, फिर लगाया दो स्थानों पर जाम, प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। आरटीओ की अवैध वसूली के विरोध में ट्रक चालकों ने लगाया महाजाम, प्रशासन के छूटे पसीने। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की। डीएपी को लेकर किसान काफी परेशान है। बार बार सरकारी आंकड़े कहते हैं कि किसानों को पर्याप्त खाद मिल गया है। अगर पर्याप्त डीएपी किसानों के पास पहुंच गया तो जाम क्यों लगाए जा रहे हैं, काफी बड़े प्रश्न चिन्ह है। आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है, जबकि हकीकत में किसान को डीएपी नहीं मिला है, व्यापारियों को डीएपी भेज दिया गया है, ऐसा खुलकर किसान आरोप लगाते। दमोह जिले के किसान की किस्मत में शायद चकाजाम ही लिखा हुआ है। डीएपी तो मिल नहीं पाता, चकाजाम करके मन की शांति कर लेते हैं। आज दमोह के ऊपर ब्रिज के नीचे जाम लगाया गया। बताया जाता है कि राइस मिल से उन्हें डीएपी मिलना था, लेकिन डीएपी नहीं मिला। तो वहीं दूसरी ओर तीन गुल्ली के विपणन संघ से भी डीएपी नहीं मिला, जिसके चलते दोनों स्थानों पर एक साथ जाम लगा दिया। हालांकि कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। काफी देर के बाद जाम खुलवाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया। किस तरह से किसान परेशान हो, क्या आरोप है किसान के, हम आपको सुना देते हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर, टोटल बीजेपी वालों की भ्रष्टाचारी चल रही है। खाद यूरिया भरपूर मात्रा में आ रहा है पर मिल नहीं रहा, टोटल इसकी कालाबाजारी चल रही है। किसान बहुत गंदी तरीके से परेशान है। आज ये लोग दस दस दिन से हम लोग आ रहे हैं, ना किस हम लोग को खाद मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है। इसीलिए आज हमारे सारे किसान भाई और सब लोग साथ में हम लोग यहाँ पे चक्का जाम किए हैं। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक यहाँ पे चक्का जाम रहेगा, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ से 10 गाड़ी माल ऑटो में भर के चला गया है। हम लोग किसानों के लाने सिरवन्नी मिल रहे हैं, बोल रहे सिरवन्नी मिल रहा है, और ब्लैक होकर ऑटो 10 ऑटो निकल गया माल। वो कहाँ गया, उसको क्यों सिरवर मिले, किसानों को क्यों सिरवन्नी मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहा। किसान सुबह 6 बजे का बैठा भूखा प्यासा, कुछ नहीं खाया, वो किसानों को सिरवन्नी मिल रहा है। 1 बजे तो कर्मचारी आए हैं इस तय पे और कोई खाद नहीं मिला। सर, दस ऑटो भर के चले गए। बोलो भाई, गए के नहीं गए? 10 ऑटो भर के गए, हम लोगों ने सबने देखा है। कहाँ बैठे थे? कितने हो गए यहाँ? मिल ना रही है, नहीं मिल रहा। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे आते हैं कल, दे हैं आते हैं कल, 3 दिन हो गए नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। कहाँ से आए हैं आप? क्यों में विपणन संघों में लगातार जब खाद पहुंचता है तो व्यापारियों की गोदामों तक पहुंच जाता है, इसीलिए व्यापारी महंगे दामों पर बेचते हैं, जबकि किसान को डीएपी नहीं मिल पा रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात 4 घंटे तक जाम लगा रहा। ट्रक चालकों के द्वारा जाम लगाया गया, सैकड़ों की तादाद में वाहन इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, लगातार समझाने का प्रयास करती रही। ट्रक चालकों का आरोप है कि लगातार आरटीओ के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, पुलिस भी उन्हें परेशान करती है। और बीती रात एक ट्रक चालक के साथ मारपीट भी की गई, आरटीओ के प्राइवेट कर्मचारियों ने ये मारपीट की, ऐसे आरोप लगाए जा रहे। चालकों की तरह महा जाम लगाया गया, अवैध वसूली के खिलाफ ये जाम लगाया गया। ट्रक चालकों का आरोप है कि प्रत्येक जिले में आरटीओ के द्वारा एंट्री की जा रही है, दमों में भी एंट्री की जा रही थी, आरटीओ के प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई, पुलिस पर भी उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। बड़ा जाम लगाया गया, लगभग 4 घंटे तक ये जाम लगा रहा। सैकड़ों की तादाद में ट्रक मौजूद थे, जिनके द्वारा अधिकारियों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। ट्रक चालकों का कहना कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दें, किस तरह से अवैध वसूली चल रही है।
मेरे कहने का मतलब हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, कल भी अच्छे से बात करें, मैं तो सीधे हाथ जोड़ रहे हैं, हम वीडियो के प्रशासन से नहीं, हम नहीं मतलब आउट कराएंगे आईपीओ 12 है गड़बड़, तो आप थोड़ा हमको बताना चाहिए, जब तक हमें शिकायत नहीं दोगे, कोई फोन ही नहीं आता, कोई दो दो घंटे खड़े हैं, फोन ही नहीं उठाते सर, एक दिन हमारी जगह आप लेके चला के दिखा दो और हमारे कंडीशन आप स्टैंड करके बता दो, हम आपको मान लेंगे, हमारे आप चल के दिखाई आप हमारे को, और क्या क्या परेशानी है वो भी बताइए, परेशानी है पुलिस वाला तंग करते हैं, आईटीओ तंग करता है, कोई भी चीज है ठीक नहीं तो तंग करता है, रोड पे बोलिए सब इधर डरो, किसी आप पूछ लो, किसी ने खाना नहीं खाया अभी, बताइए आप, एक दिन का काम ही रोज का काम है, सागर में जाते थे आईटीओ, दमो में जाते थे आईटीओ, कटनी में जाते थे आईटीओ, बताइए आप गाड़ी कब चलेगी, रात की 2-2 बजे नहीं, अशोक नगर में नहीं, माल हर जगह में गुना में बॉर्डर लगा रखा है, बिना में नहीं अशोक नगर में और बॉर्डर लगा रखा है, वहाँ महातान का और बॉर्डर लगा रखा है, आप बताइए। लगातार अवैध वसूली की खबरें आती रहती हैं, एंट्री के नाम पर हमेशा ही वसूली होती है, संपूर्ण प्रदेश की ये बात कर रहे हैं, दमोह जिले की भी बात कर रहे हैं कि लगातार अधिकारी वसूली कर रहे हैं, जाम लगा हुआ था, आरटीओ की कोई आरटीओ द्वारा चेकिंग की जाने पर और किसी ट्रक बारे का कागज अगर ले लिया उसके कारण से लोग रुस्त हो गए और ट्रक चालक रुस्त होने के कारण जाम लगा दिया था, मैंने सबको समझाया है कि भाई हमारा जो समस्या होगी वो हम करवाएंगे और अभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जनता आम जनता परेशान हो रही है और उसको परेशानी को हल करो, हम तुम्हारे जो है समस्या सुनेंगे, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है ट्रैफिक जाम में, साहब ने बहुत सबकी मदद की और सभी को सुरक्षित निकलवाया, एम्बुलेंस से भी निकलवाई सर ने सबकी और सबकी जनता की सुरक्षा रखी, यहाँ कोई भी गवादी होने दिए, यहाँ सर ने सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, यहाँ ऐसे में देखने लायक होगा अब दमोह के नेता और वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में कब तक संज्ञान लेते हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज सभा। नया गांव से एक मामला सामने आया जहां पर दो भाई आपस में लड़ रहे थे, तीसरे भाई ने समझौता कराने का प्रयास किया, दोनों को अलग अलग कराने का प्रयास किया तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां उसका उपचार चल। बीती रात नया गांव से एक मामला सामने आया जहां मुकेश नाम के युवक पर हमला कर दिया गया, कुल्हाड़ी से हमला किया गया, बताया जाता है कि प्रकाश हुकुम की लड़ाई हो रही थी, मुकेश के द्वारा दोनों पक्ष को शांत करने का प्रयास किया गया, एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसके बाद मुकेश के ऊपर हमला कर दिया, पानी को लेकर यहां पर विवाद चल रहा था। कहां के रहने वाले हो? नया। क्या हो गया तुम्हें? सर दोनों भाई लड़ रहे थे तो हमने बीच बिचारा किया मोटर पर, तो हमने प्रकाश से ना उनके बड़े भैया को भाई के तो उन्होंने मुझे मार दिया। किसे मारा है तुम्हें? प्रकाश सिंह। प्रकाश ने और उनकी पत्नी, उन्होंने पकड़ा मुझे और मुझे मारा। कौन है वो आपके? मेरे दादाजी की मंजिली वाले लड़का, और मुझे कुछ नहीं पता फिर बाद में क्या हुआ। भैया क्या नाम है आपका? लाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? नया गाँव के। ये कौन है आपके? ये भतीजा है। क्या नाम है इनका? मुकेश। क्या हो गया इन्हें? लड़ाई में दो जनों की लड़ाई हुई, ये दादा की लड़का और ये मुकेश, तो मार रहा हूँ। किसने मारा है? प्रकाश ने भाई, हम तो हते नहीं, इन्हें बताया हमें हार में थी, बाहर से आया जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी लड़ाई हो गई। इन्हें क्यों मारा है, किस वजह से मारा है? अब ये बता रहे थे कि वो इनके दादा को लड़का है जो प्रकाश, और हुकम की लड़ाई हो रही थी मोटर की वजह से, तो इन्हें करो बीच विचार हो इनके बताने से, तो इनके बीच विचार में चला जाए मारता हूँ। कैसे मारा है? कुल्हाड़ी की बता रहे थे। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज। खबरों में हम बात करते हैं पथरिया की, जहां पर ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई है, तीन लोग इसमें घायल हो गए हैं,
ट्रक चालक भी घायल हो गया। बताया जाता है कि ट्रक चालक ने काफी प्रयास किया कि बाइक सवार को टक्कर ना लगे, जिसके चलते ट्रक भी पलट गया। पथरिया थाना अंतर्गत पथरिया दमो रोड पर एक हादसा हुआ, जहां पर ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। ट्रक चालक के द्वारा बाइक सवारों को बचाने का भरपूर प्रयास किया गया, जिसके चलते ट्रक पलट गया। ट्रक चालक एवं दोनों बाइक सवारों को गंभीर चोट आई तो उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दमो रेफर किया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है। काफ़ी बड़ा हादसा हुआ, जहाँ ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई है। दोनों ही तेज रफ्तार थे, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई जारी है, वहीं घायलों का उपचार चल रहा है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज संभव। अमेजोन पर लगातार लोग खरीदारी कर रहे हैं और अमेजोन के माध्यम से गांजे की सप्लाई भी हो गई, जिसको लेकर मामले भी दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में कैट के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया है कि जो भी नियम कानून है तमाम कंपनियों पर लागू किए जाए, केवल व्यापारियों को निशाना न बनाया जाए। कैट का यह भी कहना है कि ऑनलाइन जिस तरह से व्यापार हो रहा है, इस पर कड़ी पाबंदियां लगनी चाहिए। अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ के द्वारा एक ज्ञापन आज दमोह में सौंपा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में बताया गया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर संचालित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में इस ज्ञापन में बताया गया। इनका कहना है कि लगातार नशे की लत युवा पीढ़ी को जगड़ रही है, गांजे की सप्लाई हो रही है, RDX की सप्लाई हो रही है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही कड़ी शर्तों के साथ व्यापार की अनुमति हो। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दमोह इकाई के द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर संचालित अमेजॉन कंपनी के द्वारा अवैध रूप से गांजा का प्रचार किया जा रहा है। इसके विषय में पूरे देश व्यापी में धरना दिया गया है और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी को विज्ञापन दिया गया है। हमारी सबसे अनुरोध है, मांग है कि तुरंत इन पर कार्रवाई की जाए और गलत कार्य को रोका जाए। पहले भी आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं कई बार, जी मांग भी कर चुके हैं, अब तक क्या सरकार ने कोई कदम उठाया? नहीं उठाया, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसका कैट हमारी जो राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, बराबर प्रवीण जी खंडेलवाल जी प्रयास करते रहते हैं और आश्वासन देते हैं, कहाँ देखते हैं करते हैं, पर कभी नतीजा नहीं निकल रहा। अब घर बैठे गांजा मिल रहा है लोगों को, कहाँ जाएगी युवा पीढ़ी? युवा पीढ़ी बिगड़ तो रही है, देख रहा है शासन को, सख्त कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत गलत काम जो कंपनियां कर रही हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से शासन ने, केंद्र शासन ने इनकी नियम बनाए हैं, उन नियमों को ताक पे रख के ये पूरा काम कर रही हैं। हम लोगों का पहले भी इसमें विरोध हो चुका है, विरोध कर चुके हैं शासन का, कि जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं उन नियमों को आपने हमारे ऊपर तो लागू कर दिया है, लेकिन जो विदेशी कंपनियाँ हैं इन पर लागू अभी तक क्यों नहीं हुआ है और उन पर ये नियम लागू ना होने से लगातार वो अनैतिक काम कर रही हैं। और ये आज से नहीं, पूरा एक साल से हम लोग शासन को अवगत करा रहे हैं, उसके बाद भी इन अनैतिक कार्यों को रोका नहीं जा रहा है। इससे युवा पीढ़ी स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने वाली है। अगर गांजे की सप्लाई इस तरफ से या RDX की सप्लाई इस तरफ से होती रही, जैसा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट कर रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब आने वाले हैं और शासन को बिल्कुल बगैर विलम्ब किए इन पर रोक लगाना चाहिए। ये हमारा शासन से अनुरोध है, राज्य शासन से भी और केंद्र शासन। आपको नहीं लगता अमेजॉन के पास खुद का कुछ नहीं है, दूसरों का लेके सब कुछ बेच रही है और करोड़ों रुपए कमा रही है? निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि अमेजॉन के पास कुछ ना होते हुए भी इतना बड़ा कारोबार वो कर रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर नियम लागू है, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। वो नियमों का उल्लंघन लगातार कर रहे हैं और इतना व्यापार कर रहे हैं, अनैतिक व्यापार कर रहे हैं, वो रोकने के लिए हम लोगों के लिए शासन से पुनः अनुरोध करने आए हैं और ज्ञापन देंगे। हम आपको बता दें कि कैट के द्वारा पहले भी इस तरह के मुद्दे को उठाया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि अब पुनः एक मुहिम पूरे देश में कैट के द्वारा चलाई जा रही है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज संभव। मुस्लिम समाज के एक डेलीगेशन के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। लखनऊ के एक लेखक हैं जिनके द्वारा एक विवादित किताब लिखी जा रही है, कुछ ऐसा लिखा जा रहा है जिसे हम आपको बताना नहीं चाहते।
कारण है। इससे किसी की भावना आहत हो सकती है, मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हो रही है, जिसके चलते इस किताब पर बैन लगाने की मांग। दमों के कई तंजुमों ने वसीम रिजवी के खिलाफ ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा। कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें वसीम रिजवी ने जो किताब निकाली है वह काफी गलत है, ये बताया गया है। मुस्लिम समाज का कहना है कि उसमें हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में शान के खिलाफ गुस्ताखी की गई है, उसका हम सभी मुस्लिम समाज पर जो विरोध करते हैं। उस किताब को जल्द से जल्द बैन कराने की अपील करते हुए वसीम रिजवी को गिरफ्तार करें और सरकार सजा भी मुकर्रर कराए। मुस्लिम समाज का कहना कि वह लगातार बयान देकर हमारी भावनाओं को आहत करता है, जिससे पूरे समाज में आक्रोश है और सरकार ने ये मांग नहीं मानी तो हम सभी रोड पर आकर प्रदर्शन करेंगे। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। क्या कहना है मुस्लिम धर्म गुरुओं का, आइए सुनते हैं इस संबंध में। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वला तसुब्बुल लदीन यदउन मिन दुनिल्लाह, कि जो भी किसी भी देवी देवता के शान में कुछ गलत बातें मत करो, गालियाँ मत दो। तो मुसलमान किसी भी देवी देवता के बारे में गलत बातें नहीं करते हैं, गलत नहीं कहते हैं, गालियाँ नहीं देते हैं। उसके बावजूद भी हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में कुछ लोग हैं जो गालियाँ देते हैं, तो हम उनके लिए ये मांग करते हैं, वसीम रिजवी मलऊन, जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में एक किताब लिखी है जो यहाँ पर मौजूद है, ये मोहम्मद नाम की किताब उसने लिखा है, जो तस्वीर से ही जाहिर है कि उसने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में ये किताब लिखी है, और जो इसके अंदर उसने बातें लिखी हैं वो बेबुनियाद बातें लिखी हैं, और वो इस तरीके की हरकत करके। जसरीन मुलादनवी शहर कमेटी के अध्यक्ष आजम खान से भी हमने चर्चा की। लखनऊ के एक वसीम रिजवी हैं, जिन्होंने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और उन्होंने एक किताब निकाली है मोहम्मद नाम से, जो जल्दी पब्लिश होने वाली है। तो हमारी राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया हमने माननीय कलेक्टर के माध्यम से कि जो किताब उन्होंने निकाली है उस पर तुरंत बैन किया जाए, और जिस तरह की बेबुनियाद बातें इसमें लिखी गई हैं और जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उन पर तत्काल पाबंदी लगाते हुए वसीम रिजवी, जो कि एक बहुत ही गंदा व्यक्ति है और तरह तरह की बातें इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इसको जेल में डाले। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो लगाया था ना उस पे 50,000 का जुर्माना, उसको सजा चाहिए ना, सजा चाहते हैं कि जुर्माना के साथ में उसको सजा हो। और किसी भी मुस्लिम धर्म कभी भी किसी देवी देवता के खिलाफ बोलने के लिए नहीं कहता है, लेकिन ये एक मुस्लिम होते हुए जो सिया था, अब वो तो मुस्लिम है भी नहीं है, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहा है, बेबुनियाद बातें हैं कुल मिला के। तो हम लोग यही ज्ञापन के माध्यम से एक बात रखने आए कि उसके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की। काफी तादाद में मुस्लिम समाज के युवाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। चराई पानी जलाशय से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, इसके सीधी सप्लाई इंडोरिया हो जाती है, किसान इसके आसपास तो है लेकिन एक बूंद पानी नहीं दे सकते, किस तरह से किसान परेशान है आइए हम आपको। हिनोरिया के चराई जलाशय से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते किसान काफी परेशान है। काफी तादाद में दमों पहुंचे, जिनका कहना है कि जलाशय किसानों के लिए बनाया गया था, लेकिन इस जलाशय से लगातार हिनोरिया को पानी सप्लाई होता है, जबकि किसान आज भी पानी का इंतजार कर रहे हैं। जलाशय की नहर को चालू करो, चालू करो, चालू करो, नगर परिषद की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर परिषद की मनमानी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान एकता जिंदाबाद, 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 हम अपना अधिकार मांगते, मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, मांगते, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। में ज्ञापन देने आए आज हम लोग सभी हिंडोरिया के किसान, जो चराई पानी जलाशय से जिनकी सिंचाई होती थी, आज 4-5 सालों से पेयजल के लिए तालाबों का उपयोग हो रहा है, जबकि तालाब किसानों के अंग्रेजों ने बनवाए थे और उनसे सिंचाई होती थी। आज किसान दर दर की ठोकरा खा रहा है, अभी बोनी होना है, गेहूँ की बोनी नहीं हो पा रही है, किसान की पानी नहीं है, बोनी कहाँ से करेगा। इसलिए सभी किसान इकट्ठे होकर यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं कि हमको तालाब से सिंचाई के लिए, ठहरावने के लिए, बोने के लिए पानी दिया जाए, ताकि
किसानों की बोनी हो सके समय पे, और अगर नहीं करते हैं शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसके लिए आगे आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे, नहर खुलने के लिए भी बाध्य रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। जहरीला पदार्थ खाने के बाद एक महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि विवाद की वजह से महिला के द्वारा जहर खाया गया। दमोह देहात थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत जौनी अमाटा से एक मामला सामने आया, जहां पर 25 वर्षीय एक महिला के द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमुनी अमाटा निवासी कुंतीपति यशपाल लोधी उम्र 25 वर्ष के द्वारा ये जहरीला पदार्थ खाया गया है। घरेलू विवाद के चलते इनके द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। मामले में पुलिस की जाँच जारी है। क्या नाम है आपका? कुंती। कहाँ के रहने वाली हैं? जमुनी। जमुनिया। क्या बात हो, क्या हो गया? क्या नाम है आपका? हम गायत्री। कहाँ से आई हैं? जमुनिया से। ये कौन है आपकी? क्या हो गया इसको? हमें नहीं मालूम, हम तो दूर ले थे, हमें दवाई पी ली जब आए हम। किन कारणों से दवाई दे ली है? हमें का पता, बेजाने दो याद के कौन कारण थे, लेकिन याद में जो भाव झगड़ा से हम का ये तो काम पे चले गए थे, ये नहीं ना रोटी मोटी बनाई हुई, काम पे चले गए थे, घर पर रह गए। कौन सी दवाई पी है? चूहा मारे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोहटा मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना सामने आई। पेट्रोल पंप के सामने एक बाइक में फोर व्हीलर ने टक्कर मार दी, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। मांगजवाड़ निवासी सुमित सेन, जो कि सत्यनारायण मंदिर के पास रहते हैं, दमोह से सागर जा रहे थे, तभी एक कार ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। नाम है आपका? सुरेश सर। कहाँ के रहने वाले? पतरिया फाटक सत्यनारायण मंदिर के पास। ये कौन है आपका? बालक। क्या नाम है इसका? सुरेश सर। क्या हो गया इसे? गाड़ी से बह गया। कहाँ पे? पेट्रोल पंप पर, बड़ी देर में गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सागर जा रहा था। किसने टक्कर मार दी? फोर व्हीलर वाले। अभी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, दबाव। एक युवक के द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि मां बेटे के मर्द गेट लगाने को लेकर विवाद था, जिसके चलते बेटे ने जहर खा लिया। एक युवक को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि युवक के द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना बुजुर्ग निवासी हल्ले भाई के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया। विवाद के कारण यह जहरीले पदार्थ का सेवन किया। माँ बेटे में यह विवाद हुआ था। बेटा चाहता था नए मकान में एक तरफ गेट रखा जाए, माँ चाहती थी दूसरी तरफ गेट रखा जाए, बस इस बात को लेकर विवाद हुआ और बेटे ने जहर खा लिया। घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति के द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार। हटा थाना अंतर्गत लोहटा से एक मामला सामने आया, जहां पर 30 वर्षीय युवक के द्वारा जहरीला पदार्थ पी लिया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हटा थाने के इटवा रामपुर लोहटा से मामला सामने आया। भरत सिंह पिता मोहन सिंह के द्वारा जहरीला पदार्थ पिया गया है, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। कारण अज्ञात है। क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इटवा रामपुर। ये कौन है आपका? भाई। क्या नाम है इसका? भरत सिंह। क्या हो गया इसे? दवाई पी लेके। किस वजह से क्या हो गया?
थोड़ा घर में दो ही आदमी का विवाद हुआ, टेंशन में आके हम ऑटो चलाते हैं, तो हम तो मड़िया तो निकल गए। ये क्या करते हैं? ये मतलब माता भी इनके से रहे हैं, तो उनकी बकरा तो खेती किसानी कर रहे थे, घर पे दवाई थी घर आई थे। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज, तभाव। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया, जहां पर पुत्र के द्वारा पिता की हत्या कर दी गई है, कुल्हाड़ी से हत्या की गई है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। देर रात की एक घटना बताई जा रही है। सुबह से युवक फरार भी चल रहा है। सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं को वेतन नहीं मिल पा रहा, पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला। बताया जाता है कि जिला पंचायत के माध्यम से इनका वेतन दिया जाता है, लेकिन अधिकारी अपनी तनख्वाह तो दे रहे हैं जबकि रसोइयों को वेतन नहीं दे रहे। शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं को वेतन नहीं मिल रहा है, 4 माह से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते खासे परेशान हैं। इनके द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई, पूर्व में भी शिकायत करने के बाद ही वेतन मिला था। एक्चुअली आई थी नौ। माता जी क्या नाम है आपका? मालती रैया। कहाँ से आए हैं आप? हम सहित क्या समस्या है आप लोगों की? हमारों की समस्या क्या है कि हमारे घर में तनख्वाह डाली जाए, हर महीने पैसा मिले, 10 महीने पैसा डाला था, हम गरीब आदमी, हमको कहाँ कहाँ। कितने महीने की तनख्वाह नहीं आई? 10 माह की तनख्वाह नहीं आई। बताइए क्या नाम है आपका? सुहाग राम। कहाँ से आए हैं? पटेरा नंबर 5। क्या समस्या है आप लोगों? सर स्कूल के पैसा नहीं मिल रहा। कितने महीने नहीं मिल रही? 8 महीना से सर, 10 महीना से नहीं मिल रही सर। हम लोग का खाएं सर, काम तो जा नहीं पड़ा। कौन से स्कूल से है? सही रामचंद्र। अब इनके द्वारा एक बार पुनः शिकायत दर्ज कराई गई है, देखने लायक होगा वेतन कब तक मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। मध्य प्रदेश के भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने से बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद आपदा प्रबंधन की तमाम अस्पतालों में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि कभी भी कोई हादसा होता है तो मरीजों को बचाया जा सके, परिजनों को बचाया जा सके, अस्पताल के स्टाफ को भी बचाया जा सके। दमोह जिला अस्पताल में इसीलिए आपदा प्रबंधन को लेकर यह ट्रेनिंग आयोजित की गई है, जहां पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा विशेष जानकारियां दी गई कि अगर अस्पताल में आग लग जाती है तो किस तरह से मरीजों को बचाना है, किस तरह से अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करना है, इसके अलावा अपनी जान को किस तरह से सुरक्षित रखना है, अन्य विषयों पर भी जानकारी दी गई। इस सब आज जिला चिकित्सालय के समस्त स्टाफ के लिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स होती है उसके द्वारा, एनडीआरएफ की जो टीम होती है उसके द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में मतलब जानकारी दी जा रही है कि जब आपदाएं आती हैं तो उसका प्रबंधन कैसे करना है। इसी के साथ साथ जब अस्पतालों में या बड़ी बिल्डिंगों में आग वगैरह लगती है, क्रिटिकल केयर एरियाज में आग लगती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करना है, आपको कैसे बुझाना है और उस परिस्थिति से कैसे निपटना है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति या ऐसी कोई घटना होती है जिला चिकित्सालय में, तो हमारा जो स्टाफ है वो एक टीम बनके डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के पहुंचने के पहले कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चला के आपको बुझाने में मदद कर सके और लोगों को, मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद कर सके, इसलिए सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने मरीजों को और अपने परिजनों को अस्पताल में सुरक्षित कैसे रख सकें, उसके लिए हमारे स्टाफ को हम ट्रेन कर रहे हैं, और हमारा स्टाफ अगर ट्रेन रहेगा तो भविष्य में जिस प्रकार से भोपाल में जो घटना हुई थी तो वहाँ के स्टाफ को कुछ अनुभव था, इस कारण से वो बहुत सारे बच्चों की जान बचा पाए। हम भी चाहते हैं हमारे जिला चिकित्सालय के स्टाफ इस बात के लिए ट्रेंड रहे कि जो डिजास्टर्स होते हैं, जो आपदाएं आती हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जा सके और लोगों को कैसे बचाया जा सके, आपको कैसे बचाया जा सके, उसी की ट्रेनिंग SDRF की टीम के द्वारा दी जा रही है। सर पर अस्पताल के स्टाफ के साथ सिक्योरिटी गार्ड एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा। संजय सरवरियर, लकड़ी से न्यूज। दमोह जिले के बांधकपुर स्थित जागेश्वरनाथ धाम शिव भक्तों का बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भक्त पहुंचकर भगवान शिव के अंश जागेश्वरनाथ जी के दर्शन करते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर अतिक्रमण से भक्तों को बहुत परेशानी होती है, जिसके लिए शिव भक्तों के द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही। इसी कड़ी में बुधवार को हटा SDM कार्यालय पहुंचकर हटा क्षेत्र के शिव भक्तों के द्वारा दमो कलेक्टर, दमो सांसद, दमो विधायक, हटा विधायक सहित अन्य लोगों को ये ज्ञापन SDM के माध्यम से सौंपा गया। जय भोले। सभी भक्तों की ऐसी अपेक्षा है कि शासन द्वारा इस पर निरंतर ही कार्रवाई की जावे। जो महाकाल की भव्यता है वो अतिक्रमण के कारण ढक रही है, और ऐसी अपेक्षा है कि प्रशासन शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करेगा।
क्या व्यवसाय है, कहाँ पर अतिक्रमण है? ये बांदकपुर तीर्थ स्थान गेट के पास जो मंजिला जो एक प्रसाद के लिए दुकानें दी गई थी, वो एक भव्यता अपने मकान निर्माण कर लिया गया है, उसको हटाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और प्रशासन से ऐसी अपेक्षा है कि शीघ्र ही इस अतिक्रमण को हटाया जाए। अगर नहीं हटाते तो हम निरंतर इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन के रूप में दिखाएंगे। माई की आज हटा क्षेत्र के जो भक्त हैं, जो बांदकपुर कावड़ यात्रा में भी जाते हैं, और हटा क्षेत्र काशी के नाम से जाना जाता है, हटा नगरी के भक्त धार्मिक कार्यों के लिए और धार्मिक क्षेत्रों की रक्षा सुरक्षा के लिए सदैव ही अग्रणी रहे हैं, और वो सभी बांदकपुर धाम में मंदिर के सामने जो अतिक्रमण है उसको शीघ्र हटाने के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय सांसद महोदय, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हटा के युवा साथी, अनेक हटा के नागरिक यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने सीधी बात रखी है कि बांदकपुर मंदिर के सामने जो वर्षों से अवैध अतिक्रमण है उसको शीघ्र हटाया जाए, नहीं तो समस्त हटा क्षेत्रवासी, समस्त जिले के अनेक भक्त संगठन उग्र रूप से सामने आके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने हटा के साथियों का, युवाओं का, हटा की नगरी के लोगों का कि बांदकपुर धाम में वो इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। हम सभी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि जिला प्रशासन शीघ्र इस पर कार्रवाई करेगा, अन्यथा हम लोग आगे उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम मंदिर के ठीक सामने बिल्डिंग बनी हुई है, अतिक्रमण किया गया है जिससे मंदिर दिखाई नहीं देता। इस अवसर पर शिव भक्तों की उपस्थिति देखी गई। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। भदौली पिपरिया में बरेदी नृत्य पर जमकर नाचे मंत्री पुत्र। गड़ाकोटा की ग्राम पंचायत भटोली पिपरिया में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव भी शामिल हुए। गांव वालों के द्वारा बरेदी नृत्य किया गया जिस पर अभिषेक दीपू भार्गव भी जमकर नाचे। कहते हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर मेला लगाया जाता है, मेले में बड़े दूर दूर से लोग आते हैं मौनिया नृत्य एवं बरेदी नृत्य देखने के लिए। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं मंदिर। अरे मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान रे, भीलन लूटी कोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। फिर से कलयुगी पुत्र ने की पिता की कुल्हाड़ी से हत्या। लखनऊ के लेखक ने लिखी विवादित किताब, मुस्लिम समाज में आक्रोश, महामहिम राष्ट्रपति से किताब पर रोक लगाने की रखी मांग। किसानों की किस्मत में नहीं है डीएपी, फिर लगाया दो स्थानों पर जाम, प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। आरटीओ की अवैध वसूली के विरोध में ट्रक चालकों ने लगाया महाजाम, प्रशासन के छूटे पसीने। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए मैं चाचा।